नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्ट नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपने पत्नी अनुष्का और बेटी वामिका के साथ इन दिनों उत्तराखंड आ गए हैं। वे भवाली के पास रामगढ़ रोड पर मल्ला श्यामखेत के एक रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। उन्होंने अपना पूरा कार्यक्रम निजी रखा है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी दूरी बनाई हुई है, लेकिन कोहली ने फैंस को निराश नहीं किया है। गुरुवार शाम को वे मल्ला श्याम खेत के पास कुन गांव में घूमने निकले। इस दौरान वहां कुछ लोगों ने विराट को देखा तो वो खुशी से फूले नहीं समाए। उन्होंने विराट से सेल्फी के लिए पूछा तो विराट ने भी मना नहीं किया। फैंस ने उनके साथ खूब सेल्फी ली। शुक्रवार सुबह वे बिस्नर समेत कुमाऊं की कई जगहों पर घूमने निकले। बता दें कि विराट कोहली बुधवार को परिवार के साथ नैनीताल के भवाली पहुंचे थे। उनका हेलीकॉप्टर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के मैदान पर उतरा था। इस दौरान भी उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी थी। स्थानीय लोग वहां उन्हें मिलने पहुंचे, लेकिन वे उनसे बिना मिले ही वहां से रवाना हो गए। इसके बाद गुरुवार को विराट और अनुष्का ने कैंची पहुंचकर बाबा नीप करोरी महाराज का आशीर्वाद लिया। हालांकि इस दौरान उनकी बेटी वामिका साथ नहीं थी। कोहली और अनुष्का ने एक घंटा कैची धाम में बिताया था। उसके बाद कार से रामगढ़ निकल गए। दोनों ने बाबा नीप करोरी महाराज की मूर्ति के सामने बैठकर कुछ देर ध्यान लगाकर विशेष प्रार्थना और बाबा की धुनी के दर्शन किए। लेकिन कोहली और अनुष्का के कैची मंदिर में पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ सेल्फी ली। आपको बता दें, अनुष्का विराट इससे पहले भी उत्तराखंड आकर कई बार समय बिता चुके हैं। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।